कंपनी मीटिंग्स कर रहे थे अपन, शेयर होल्डर्स मीटिंग में, शेयर होल्डर्स मीटिंग हो चुकी थी अपनी, अदर्स मीटिंग स्टार्ट किया था। फर्स्ट था मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये हो चुका था। अब सेकेंड देखो, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब इनके साथ एक मीटिंग लेती है कंपनी, वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, तो एक सीक्वेंस में जो प्रॉफिट होता है कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर अगर कंपनी लॉस में है तो जब वाइंड अप होती है तब कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं या कैश है, एसेट्स को बेच दिया जाता है और जितना पैसा आता है उसको चुकाया जाता है। तो सबसे पहले जब उसमें पे करते हैं तो किन को पे करते हैं? डिबेंचर क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स में पहला था डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स नाम से जिसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स के बाद पैसे किसको पे किए जाते हैं? कंपनी में क्रेडिटर्स को पे किए जाते हैं। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस समय एक मीटिंग लेती है कंपनी किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब इसमें देखो, कंट्रीब्यूटर्स वर्ड क्यों लिखा है? कंट्रीब्यूटरी, ये पर्सन क्या होते हैं? लायबल होते हैं टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कंट्रीब्यूटर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर, जिनको शेयर्स जिन्होंने कंपनी का लिया था। तो मैंने एक कंडीशन आपको बता के रखी है इसमें, कि कभी कभी कंपनी पूरा पैसा एक साथ नहीं लेती है। अगर 100 रुपए का शेयर है तो सिर्फ 50 रुपए ही ली होगी एक शेयर के एक पार्ट में से, तो बाकी जो 50 रुपए वो कब लेगी? जब कंपनी बंद होगी। वो फ्यूचर का सोचती है और क्या करती है, आधे पैसे ही लेती है शेयर होल्डर से, और आधे पैसे उनसे कब लेने का करती है? जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो उस पॉइंट पे जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कहलाएंगे शेयर होल्डर्स, कंट्रीब्यूटर्स। क्यों? क्योंकि जब वो अपने शेयर्स का बचा हुआ पैसा वो लोग क्या करेंगे? वापस, क्योंकि जब उन्होंने साथ साथ प्रॉफिट लिया है तो बचा हुआ पैसा भी तो वो लोग क्या करते हैं? वापस करते हैं। अब इसमें देखो, तो क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स की एक मीटिंग होती है, बस तभी इन सबको डिस्कस किया जाता है। फिर थर्ड आएगा इसमें आपका, वाइंडिंग अप के बाद एक और मीटिंग होगी क्रेडिटर्स की, जिसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। कंपनी जब तक है तब तक एक बार एक मीटिंग होती है। और ये किसके थ्रू होती है? एनसीएलटी के थ्रू होगी ये। जब कोई क्रेडिटर खुश नहीं है कंपनी की पॉलिसीज वगैरह से, तब वो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में रिक्वेस्ट डाल के आएगा, या फिर काय के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे अगर कंपनी बंद हो रही है, या तो कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे, या फिर इनको कंपनी को एमलगमेट करवाना होगा। कुछ भी बिजनेस रह सकता है जो क्रेडिटर्स को लगता है कि अब ये करना चाहिए। एमलगमेट करना मतलब दो कंपनियों का मर्ज कर देना, या फिर मर्जर, या एक्वायर करना, एक्विजिशन करना। एक्विजिशन मीन्स परचेज करना कंपनी का बिजनेस, नाम वही रहेगा पर कंपनी उसको क्या कर लेगी? परचेज करेगी। जैसे अभी जियो मार्ट ने बिग बाजार को एक्वायर किया, एक्विजिशन किया, वैसे ही बिजनेस को टेक ओवर करना। तो कोई भी रीजन हो सकते हैं क्रेडिटर्स के पास, तो वो एनसीएलटी में एक रिक्वेस्ट डालेंगे, एक मीटिंग होगी उनकी, और वो एक वहां पे स्टेप उनको जो लेना होगा वो लोग वहां पे ले सकते हैं। फिर कम अदर मीटिंग में एक और टाइप होता है मीटिंग का, फोर्थ, वो होती है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। अगर उनको कोई बिजनेस डिस्कस करना है तो वो आपस में अपनी मीटिंग करते हैं, और ये बहुत रेगुलर मीटिंग होती है, ये कभी भी हो सकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ये हफ्ते में एक दिन भी हो सकती है, साल में एक बार भी हो सकती है। देखो साल में एक बार तो होती नहीं है, कोई भी नया टास्क मिलता है या कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलता है तो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग्स करते हैं। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस मीटिंग को। ए, इसमें मैं बोल सकती हूँ बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, जो और एक होती है कमिटी मीटिंग्स। कमिटी होती हैं जो कंपनी बन के अंदर कमिटीज बनती हैं,
इन फॉर फ्यूचर के लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लुकआउट करने के लिए, या फिर आप लोग एक अपने कॉलेज का एग्जांपल ले लो, जैसे लास्ट ईयर आप लोग कॉलेज में थे तो बहुत सारे फंक्शंस हुए थे, तो उनके डिपार्टमेंट हेड्स अलग होते थे, ऑर्गेनाइज करवाने वाले टीचर्स अलग होते थे आपके लिए उस पॉइंट पे। तो सेम कंपनी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है या कंपनी में स्टाफ को कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको लुकआउट करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं। तो पहला जो बोर्ड मीटिंग्स है उसको देखेंगे अपन। बोर्ड मीटिंग्स में देखो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। जो पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है कंपनी में, जब सपोज स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, इनकॉर्पोरेशन हुआ तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं है ना, उनकी कम से कम 30 दिन में एक पहली मीटिंग तो हो ही जानी चाहिए जब कंपनी फॉर्म हुई है ना। और उसके बाद उनको हर साल एवरी ईयर उनको कितनी कम से कम मीटिंग करनी है, 4 मीटिंग्स है ना। एवरी ईयर उनको कम से कम कितनी करनी है, 4 मीटिंग करनी है। दूसरा, 2 मीटिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 दिनों की से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स आगे देखो। अगर बाय प्रोटोकॉल जाना है तो हर 120 दिन में मीटिंग होनी चाहिए है ना, इन एवरी 120 डेज। इसका मतलब इन शॉर्ट ये होगा, इन एवरी 120 डेज देयर शुड बी अ मीटिंग। नेक्स्ट देखो, इसमें ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, देखो कम से कम इतनी करनी है। नेक्स्ट देखो सेकंड, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। चैनल मीडियम क्या होगा कि किसके थ्रू मीडियम होगी चैनल। अभी देखो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा था तो मीटिंग कैसे हो रही थी, जूम पे। यहाँ कंपनियों ने अपने खुद के पर्सनल ऐप बनवाए और उसके थ्रू उन्होंने मीटिंग्स कंडक्ट की, अपना काम किया। तो चैनल और मीडियम और पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है, ऑडियो वीडियो के थ्रू भी हो सकती है, या फिर पर्सन उस मीटिंग में कैपेबल है कि नहीं, या फिर रिकॉर्डिंग्स कर लो और फिर दूसरों को दिखाओ। तो चैनल और मीडियम अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग्स एटलीस्ट 7 डेज देनी चाहिए इन राइटिंग में, कि कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी उसका नोटिस जाना चाहिए, प्लस जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास भी जाना चाहिए। हैंड डिलीवरी होनी चाहिए या फिर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो टाइम आ गया है, पैंडेमिक में तो ये सब होगा नहीं। अब देखो, जब से पैंडेमिक आया चीज़ें चेंज हो गई। अब देखना, जैसे 2 या 3 साल ये चीज़ें तो अब ऐसे कंटिन्यू रहने वाली हैं, जब तक वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हो जाता तो वो लोगों के लिए फिर न्यू नॉर्मल हो जाएगा। फिर लोग बोलेंगे इससे अच्छा घर बैठे बैठे ही काम करते हैं, तो तब ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा। तब लोगों को लगेगा क्या यार, एक एक लोगों को पोस्ट करें और इतना एक्सपेंस बढ़ा है, तो तब क्या हो जाएगा, मेल्स के थ्रू जाएंगे। अभी भी वैसे भी मेल के थ्रू जाते थे, लेकिन अब और मेल्स के थ्रू जाएंगे। अब लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव हो चुके हैं, व्हाट्सएप पे लिंक जाएंगे, उनके बिजनेस के ऐप्स बन गए हैं सबके, तो अब उसमें उनके थ्रू वो लोग अपना मीटिंग कन्वे करते हैं। तो नोटिस एटलीस्ट 7 डेज प्रायर होना चाहिए, और जो मीटिंग जो डायरेक्टर्स हैं उनको जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी जाना चाहिए, तो सबको एक सर्कुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसमें पेनाल्टी ऑफ फेलियर, अगर
मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, बोर्ड मीटिंग्स, तो इनका पेनाल्टी क्या होगा? पेनाल्टी भी तो होनी चाहिए, पेनाल्टी ऑफ फेलियर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले पूछो। चलो आगे देखो, पेनाल्टी ऑफ फेलियर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स इन स्पेसिफाइड कंपनीज। अगर वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या फिर डॉर्मेंट कंपनी है, तो उसको एटलीस्ट 6 महीने में एक मीटिंग रखनी है। और वो जो 6 महीने होंगे वो किसके अकॉर्डिंग पे रहेगा? इसमें कैलेंडर ईयर के बेस पे, मतलब कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू जून होगा या फिर जुलाई टू दिसंबर। और इनकी जो मीटिंग्स हैं, इनके बीच का गैप होना चाहिए एटलीस्ट 90 डेज। और जो वन पर्सन कंपनी है उसमें तो एक ही पर्सन होता है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होते ही नहीं है, तो उसमें डायरेक्टर्स मीटिंग्स तो होंगी ही नहीं, ठीक है, तो ये उसके लिए अलग रहेगा। और जो स्मॉल कंपनीज हैं या जो कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज होती हैं, तो उनके लिए क्या है कि 90 डेज के गैप में उनकी मीटिंग होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट साल में 2, यानी हर 6 महीने में एक मीटिंग करनी है। और वो जो मीटिंग होगी वो कैलेंडर ईयर पे होगी, मतलब उसको डिसाइड करने का टाइम जनवरी टू जून जाएगा या फिर जुलाई टू दिसंबर जाएगा। कोरम, एक नया वर्ड मेंशन कर रही हूँ, कोरम क्या होता है, मैंने क्लास में एक दिन एक्सप्लेन किया था। मैम आपने से बताया था कुछ मेंबर्स जो पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कोरम का मतलब होता है एक मीटिंग हो रही है उसमें कम से कम इतने मेंबर्स होने ही चाहिए, पर्सनली नहीं होता है इसमें। सपोज अगर 10 लोग आ गए तो मीटिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इतने होने चाहिए। अगर 9 है तो मीटिंग एडजर्न, नेक्स्ट डे या कैंसिल। लेकिन कोरम बनता है कि चाहे 150 पर्सन है या 200 है, लेकिन कम से कम अगर 20 पर्सन होंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी। तो वो जो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स वो होते हैं कोरम। तो ये एक मीटिंग में कितने होनी चाहिए, उसके स्ट्रेंथ का, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 होना चाहिए, या फिर 2 डायरेक्टर्स, या फिर 2 डायरेक्टर, क्या पता एक ही डायरेक्टर आया हो, तो विच एवर इज हायर। अब दोनों में से उस समय जो प्रेजेंट हुआ और कंप्लीट हुआ तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हो जाएगा कोरम हो जाएगा। फिर क्या है, इसको तुम लोग चाहो ना तो कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ये पेनाल्टी ऑफ फेलियर को अगर अपन यहाँ पे 4th पॉइंट दिए, एक सेकेंड, जैसे ये नोटिस है पेनाल्टी को 4th पॉइंट दिए, तो ये 4th के अंदर ये 2 पॉइंट्स, फिर एक 5th पॉइंट अगर हम बनाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो बोर्ड मीटिंग्स में की मैं बात की, पहला फ्रिक्वेंसी, सेकंड चैनल, तीसरा नोटिस, फोर्थ में पेनाल्टी, तो पेनाल्टी के अंदर ये 2 चीज़ें मैंने मेंशन की। फिर क्या है, 5th है, अब इसमें पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, तो जो भी मैटर उसमें डिस्कस होने वाला है तो वो किसके थ्रू डिस्कस होगा, रिजोल्यूशन के थ्रू। और रिजोल्यूशन क्या होगा, बाय सर्कुलेशन। सपोज इमेजिन करो राउंड टेबल है, गोल चेयर, और जो रिजोल्यूशन है या जो पेपर है वो पास होते जा रहे हैं, सर्कुलेशन, सर्कल में बैठते हैं ना अपन राउंड टेबल, तो वैसे पास होगा। क्लियर है, पूरा नेसेसरी पेपर्स होने चाहिए
और जो भी हो रहा है वो रिजोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे पास होना चाहिए, मतलब पेपर वर्क होना चाहिए। जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग में वो उसका एक रिटन होना चाहिए और उसको सब मेंबर्स के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ है इसमें डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स not to take actions, take इस पॉइंट से आप क्या समझ रहे हैं जो मैंने टाइप किया है? अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने में कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसक्वालिफिकेशन है, सपोज उसका क्वालिफिकेशन मैच नहीं करा है, हमको बाद में पता चला, तो जो अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर्स का अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो बोर्ड मीटिंग्स में उस डायरेक्टर को रिमूव किया जाएगा। क्लियर है? यस मैम। अब कमिटी मीटिंग्स होती हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कमिटी मीटिंग्स टाइप्स उसमें हो सकता है। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। कमेटी बनती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बनती है स्टैंडिंग कमेटी, सबके अलग अलग वर्क होते हैं। दूसरी इसमें इनकी बनती है, देखो स्टैंडिंग कमेटी बनती है जो यूजुअली रूटीन जो बिजनेस है कंपनी का, जैसे शेयर्स अलॉट करना, शेयर्स को ट्रांसफर करना, तो इस टाइप की एक कमेटी बनती है। एक एडहॉक कमेटी बनती है, एडहॉक कमेटी मतलब एक पर्टिकुलर काम के लिए बनती है, वो काम हो गया तो कमेटी ख़त्म। तो इसको कोई स्पेशल बिजनेस या किसी डील को सिचुएशन करने के लिए ऐसी मीटिंग्स को बनाया जाता है। या फिर एक ऑडिट कमेटी बनती है जो ध्यान देगी कि कंपनी के सब लोग ध्यान अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो होती है ऑडिट कमेटी होती है, रेगुलर चेक होता है वहाँ पे। तो ये टाइप्स ऑफ कमिटीज होती हैं। एक होती है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं ये लोग अपना सब्जेक्ट मैटर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। फिर एक होती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, एक सेकेंड। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो जिनका कंपनी में स्टेक है, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो इन सब का जो स्टेक है कंपनी पे, तो इन सब की एक मीटिंग्स होती हैं आपस में। तो ये इतना ही है इसमें, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कमिटी मीटिंग्स के बारे में मेंशन करना थोड़ा सा कि मीटिंग्स क्या होती हैं। कमिटीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जिनके पास पावर्स होता है, वो लोग अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं चीज़ें कि इतनी कमिटीज होंगी, ये होंगी, और इनका ये वर्क होता है टाइम टू टाइम, और ये टाइप्स ऑफ कमिटी मीटिंग्स, बस इसमें आपको इतना ही मेंशन करना है।